भक्ति, क्योंकि परमात्मा भक्ति में ऐसी शक्ति है। शायद आप लोगों ने सुना होगा सूर्यदेव के बारे में, आगमन में वर्णन आता है, एक मेंढक त्रियंश प्राणी, ना उसे कोई गुरु मिले ना कोई प्रभु मिले, लेकिन उसने देखा कि श्रेणी महाराजा भगवान महावीर के समोसरण की तरफ पधार रहे, तो उसके मन में भी एक भावना जी और उसने भी एक फूल की पंखुड़ी, मेंढक का जीव कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल नन्हा छोटा सा, उसने अपने हाथ में फूल की पंखुड़ी ली और चल पड़ा। पर सैनिक महाराजा का इतना बड़ा काफिला, वह तो धीमे धीमे चलते चलते कुछ ऐसे ही उसका नसीब था, श्रेणी महाराजा के घोड़े के पांव के नीचे आ करके दब करके वहीं उसने मृत्यु प्राप्त। पर मन में उसकी क्या था, क्या चल रहा था, मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, मेरे को भगवान की भक्ति करने के लिए जाना है। उस शुभ भावों से, उन शुभ भावों ने उसकी गति इतनी सुधार दी कि उसे सीधी त्रियंश गति से देव गति प्रदान कर दी। और जब वह देवलोक में उत्पन्न हुआ और उसने अवधि ज्ञान से जाना कि देवलोक में जन्म लेने का कारण क्या है, तब उसे पता चला जो मेरे मन में परमात्मा भक्ति थी, आज तक कोई मंदिर नहीं गया, कोई गुरु भगवंतों से नहीं सुना, पर इतने कम समय की जो मेरे मन में भगवान के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई, उस भावना ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। वो तुरंत दौड़ा दौड़ा समाव शरण में गया और भगवान के पंच कल्याण जो यहाँ आपके यहाँ हुए, उन्हीं पंच कल्याणों को भी नाटक में प्रस्तुति बड़ी रीति समृद्धि के साथ उसने दी और श्रेणी महाराजा वहीं आकर पहुंचे। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन सा देव है, इतना समृद्धिशाली देव। तब उन्होंने उसके पूर्व भोग के बारे में उसने अवगत करवाया। वे भी गदगद हो उठे कि एक व्यक्ति, एक त्रियंश प्राणी, एक मेंढक का जीव मात्र अपने भावों से, भावों की शुद्धता से इतना कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यदि भाव और द्रव्य मिल जाए तो कैसे क्या नहीं हो सकता। और वैसे भी जैन धर्म तो भाव प्रधान धर्म है, भावे भावना भावे भावे दीजे कान, भावे जिमर बुद्धि और भावे केवल क्या, भावनाओं से तो कितने ही आगों में दृष्टांत भरे पड़े कि अभी तो शादी के मंडप में हस्त मिलाप कर रहे और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अभी खा रहे और खाते खाते केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, अभी नाच रहे और नाचते नाचते भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। जब भगवान, और वैसे भी कोरवा का तो कितना पुण्य होता है, पहली बार तो हर जगह मंदिर होते नहीं, कई लोग जहाँ मंदिर नहीं होते वहाँ के लोग बहुत तरफ थे कि हमको मंदिर मिले, हमको मंदिर मिले, हमको परमात्मा की भक्ति से चाहिए, पर वैसी कोई अनुकूलता नहीं मिल पाती है। हाँ, प्रभु बुद्ध को अनुकूलता भी मिली और उसके बाद में मंदिर को गति प्रदान करने के लिए बहुत जगह बहुत दिक्कत होती है कि मंदिर कैसे बनाएंगे, पर यहाँ तो वो भी